खरगोन शहर के टेमरा रोड पर शनिवार को मेले जैसा माहौल रहा। कोई ढोल मांदल तो कोई फूलों की भारी भरकम माला तो कोई ढोल ताशों के साथ झूमते थिरकते हुए नजर आए। अवसर था जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का। इस महते आयोजन के दौरान किसान नेता एवं पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार और उनके पुत्र युवा उद्यमी एवं सक्रिय समाज सेवी नितिन पाटीदार के जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया। एक ही दिन जन्मदिन के विशेष संयोग को कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने यादगार बना दिया। दिन भर कार्यालय परिसर में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सुबह 11 कुंडीय गायत्री महायज्ञ से शुरुआत हुई। इसके बाद जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल बांटे गए। आस्था ग्राम ट्रस्ट में निराश्रित बच्चों को भोजन करने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई। पूर्व राज्य मंत्री पाटीदार ने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने महती जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिसका सभी वर्ग के लोग लाभ उठा रहे हैं। देश में गरीबी जा रही है और समृद्धि आ रही है। हर वर्ग खुश और आनंदित है। ब्यूरो रिपोर्ट। जनता का प्रेम और आशीर्वाद है, जनता का स्नेह है और इस जनता के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये जो आपको देख रहे ना, अब ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज जी ने जो लोक कल्याण के विकास के ऐसे अद्भुत काम किए हैं, उसी का परिणाम है क्या जनता के से गरीबी भाग गई है, समृद्धि आ गई है। तो ये समृद्धि का ही उत्सव है, सारी जनता इस उत्सव में भागीदारी कर रही है और उत्सव तो हमारी परंपरा है, उत्सव से उत्साह का संचार होता है। चुनाव के प्रदर्शन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है कि आप शक्ति प्रदर्शन का ही शक्ति तो अपने आप नहीं थे, जनता में ही शक्ति होती है और उसको प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। जनता उत्साह वो भी मुस्सा है, नहीं भारतीय जनता पार्टी को जीत जीत दिलाएगा। मेरा हमारे विधानसभा चुनाव सामने, क्या लगता है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो खरगोन की जो 5 से 6 सीटें हैं पूर्व में कांग्रेस में बैठी, ऐसे में आप क्या लगता है? वो अब कांग्रेस जो जीत गई थी उसका कारण था कि कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे, कर्जा माफ कर देंगे, शिक्षित बेरोजगार को 4,000 पेंशन देंगे, विधवा निराश्रित जो विकलांग पेंशन प्राप्त हितग्राहियों को 1,000 रुपया पेंशन देंगे,
सब हेल्प का पर्चा माफ करेंगे, किसानों को प्रति लीटर 5 रुपया बोनस देंगे, तो वो सब कांग्रेस का जो घोषणा घोषणाएं थी उसका पर्दाफाश हो गया है और उसने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की कुर्सी है, अब जनता उस पर भरोसा नहीं करवाएंगे। कोई नहीं किया, भाजपा मेरा कोई विरोधी नहीं है, सब लोग मेरे पास भाजपा तो एक है। भाजपा में क्या, हाँ कांग्रेस की नींद उड़ाएंगे सवाल क्या इस भीड़ को देखकर क्या कहना चाहेंगे, मतलब हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।